जो यहाँ होर्डिंग लगा रखे हैं इसमें कहीं भी दलितों के लिए नहीं लिखा हुआ है। और इस तरीके जो मीडिया है, यहाँ हजारों की तादाद में मीडिया है, और ये लेकिन जब दलितों का इस तरीके का कोई धरना प्रदर्शन होता है उसके अंदर नहीं दिखाते हैं। और आप ये देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी पब्लिक का अभिवादन कर रहे हैं और हाथ हिलाकर, और पब्लिक के बीच के जो ये बैरिकेटर लगा रखा है उसके किनारे किनारे पब्लिक से हाथ मिलाते हुए और पब्लिक का अभिवादन कर रहे हैं। और मात्र आधा घंटा नहीं हुआ और इतने ही वो जो है मतलब यहाँ से पब्लिक के बीच में पहुँच गए हैं और उनसे हाथ मिलाते हुए आ रहे हैं। आप देख रहे हैं धक्का मुक्की हो चुकी है और ये राहुल गांधी जी पब्लिक के अंदर जा रहे हैं और हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी को मैं दिखा रहा हूँ कि, और जो वैरिगेटर लगा रखा है उस वैरिगेटर को भी पार कर दिया लोगों ने और ये भीड़ उनके साथ में चल रही है। और मीडिया वाले ज़्यादा हैं, जब ऐसे लोग होते हैं, ऐसे नेता होते हैं तो उनको अधिकतर वो मीडिया कवरेज करती है, लेकिन जो वास्तविकता होती है उसे दिखाने में मीडिया नाकाम होती है, क्योंकि जो दलितों का प्रोग्राम होता है वो दलितों का प्रोग्राम को नहीं दिखाती है। 2 तारीख को जो भारत बंद था उसके बाद में जो लोगों के साथ में जो बुरा हाल कराया, अभी तक किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। और उपवास की बात करते हैं, आइए हम जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पटेल नगर विधानसभा से आया हूँ। तो क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आए हैं? दलित के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हमारी वही मांग है। जो RSS का एजेंडा है कि दलित विरोधी एजेंडा है, उसको खत्म किया जाए। जो संसद में जो कानून बनता है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कानून बनाया गया है, उस कानून को खत्म किया जाए, हमारी ये मांग है। तो राहुल गांधी आज उपवास पे आए थे, राहुल गांधी ने कुछ बोला आपको? हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि दलित के साथ हूँ, मैं दलित के साथ खड़ा हुआ हूँ और देश की जनता के साथ हूँ। अगर उन पर अत्याचार होगा तो समझो मेरे पे अत्याचार हुआ है। तो ये तो मोदी जी भी कहते थे कि दलितों को मत मारो, मेरे देखो सीने पे गोली मारो। आप सारी दुनिया जानती है, आज सारी दुनिया जानती है मोदी जी जो बोलते हैं वो सारा झूठा कोरा एक वो है, समझे ना। मोदी जी तो दलितों के गले में माला पहना रहे हैं और जबान पे ताला लगा रहे हैं। तो वो अगर उनकी सरकार अगर दलितों की मोहब्बत करती, दलितों से प्यार करती, तो ये स्थिति ना होता यार। पूरे देश में बिना किसी नेता के आह्वान के, बिना किसी प्लानिंग के, पूरे देश के दलित सड़क पे आ गए। ये मामूली बात नहीं है, ये अंदर से पीड़ा देते हैं। लोग सड़क पर आए थे और मैदान में आए थे, उनको चुन चुन करके उनको बंद किया जा रहा है, उनको ऐसी धाराएं लगाई जा रही है कि वो हमेशा जेल में वो क्रश कर रहे हैं। उनकी नियत है वो यही तो सनातनी विचार है, यही तो सामंती सोच है, उसी के खिलाफ तो हम हैं कि ये जिनकी नियत खराब है दलितों के प्रति, उनसे हमारा झगड़ा है। हमारा झगड़ा देश में सबसे नहीं है, जिनकी नियत खराब है दलितों के प्रति उनसे है। जो इनकी सोच थी वो बाहर निकल आई है।